ये बिहार में इतना कम और बंगाल में इतना ज्यादा, ये क्या बता रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है? मतलब इसको हर पार्टी अपने तरीके से पढ़ रही है, लेकिन आपका क्या इस पर टेक है? बिहार में हमेशा से परसेंटेज टर्नआउट, आज से नहीं, हमेशा कम होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत बड़ी आबादी बिहार की अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बाहर काम करने के सिलसिले में बाहर रहती है, उसी वजह से आप पाएंगे। और बिहार और वो के इस टाइम पे घर वापस जाकर वोट नहीं डाल रहे हैं। नहीं, घर वापस डालते हैं, बट उसका एक लिमिटेशन है। आप ये हमेशा पाएंगे जो एवरेज वोटर टर्नआउट है 55-60% के बीच में बिहार में हमेशा से होगा, जो कि हो ही जा रहा है। मतलब जो बिल्कुल 6-7 बजे तक होते होते उतना हो जा रहा है, 1-2% ही पीछे रह रहा है। नहीं, वो 1-2% आगे जब आंकड़े एकत्रित होंगे इलेक्शन कमीशन के पास सारे बूथों से, तो वो आप पाएंगे कि अभी तो ये जो आंकड़े होते हैं ये प्रोविजनल आंकड़े, एस्टिमेटेड आंकड़े होते हैं। आप कल शाम तक जब फाइनल आंकड़े आने की उम्मीद है तो पाएंगे करीब करीब पिछले साल के बराबर या उससे बेहतर भी। बंगाल क्या कह रहा है? नहीं, बंगाल भी हमेशा की तरह 75-80% के बीच में हमेशा। ट्रेडिशनली बंगाल के बहुत कम बंगाली होते हैं जो बाहर काम के सिलसिले में होते हैं, रिलेटिव टू कंपेयर टू बिहार। तो वहां मतलब आप मन बना के आए कि कुछ बोलना नहीं है? नहीं नहीं, मन बना के बोलना मतलब ऐसा है कि देखिए, जहां तक रह गई बात कि एग्जिट पोल और आंकड़े और अनुमानों का, तो हमारे ऊपर चुनाव आयोग की पाबंदी लगी होती है कि आप कुछ कह नहीं सकते, तो मेरा मुंह जो है उनके द्वारा बंद कर दिया गया 1 जून तक, 1 जून 6 बजे तक, उसके बाद आज तक पर आप एग्जिट पोल देखेंगे। बिल्कुल, 1 जून तक शाम के 6 बजे तक, उसके बाद हम लोग साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो 1 जून 6 बजे की तैयारी कर लीजिए। लेकिन इस बीच सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर भी आपकी रीडिंग, और काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरना, और वो कह रहे हैं कि माँ गंगा ने बुलाया और फिर मुझे गोद ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पूरे देश के नजरिए को इस वक्त देखें तो विपक्ष तमाम मुद्दों पर सीधा प्रधानमंत्री को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, संयोग से प्रदीप गुप्ता जी इस समय आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस समय उनको 2019 जैसा माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 में कितने सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाया था। यहां तक कि एग्जिट पोल्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाया था। और जब आपके चैनल ने 300 सीटें दिखाई थी तो नाना प्रकार के आक्षेप लगाए गए थे। मैं प्योर बीजेपी की सीटों की बात कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, मुझे याद है कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे उस दिन प्रदीप गुप्ता जी भावुक हो गए थे आज तक पर बैठकर, कि मतलब मेरे मुझे किस किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया, मेरे ऊपर लांछन लगाए गए कि मैंने शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया, जो लोग आज करें आज वैसा माहौल नहीं है। अरे मैं कहना चाहता हूं, जो हमेशा से चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी का आकलन पिछले 25-30 वर्षों में, जब से चुनाव आकलन शुरू हुआ है, 1-2 अपवाद स्वरूप छोड़ के, जैसे 2004 का लोकसभा का चुनाव हो गया, हमेशा भाजपा का जितना आकलन किया गया है उससे अधिक हमें सफलता मिली है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, जो अमित शाह जी ने कहा था कि पिछले 3 फेजेज में हम 200 के आसपास हैं, और जो कुछ काशी में दिखाई पड़ रहा है, एक उदाहरण समझिए। देखिए नेता क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि दूसरे प्रांत से कोई व्यक्ति आकर किसी दूसरे प्रांत में इस सीमा तक जनता का प्यार और स्नेह प्राप्त कर ले। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो हम 10 सीटें थी हमारे पास, 10 केवल लोकसभा में, और लगातार 2 चुनावों में 2004 और 2009 हमारा मत प्रतिशत 18% के आसपास आ गया था उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी आए 73 सीटें, मत प्रतिशत 40 के पार, विधानसभा में 325। तो मोदी जी आए थे उठाने के लिए, मोदी जी ये बचने के लिए नहीं भागे थे कि रायबरेली से और अमेठी से वायनाड की तरफ गए। तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और काशी कहीं ना कहीं उसी चीज का प्रतीक है जो उन्होंने कहा था कि ना गंगा ने बुलाया। और मैं एक और बात कह दूं, संयोग से आज देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी जरूर वहां से थे, परंतु भारत की राजनैतिक सत्ता के केंद्र दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठा है जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक सत्ता के केंद्र काशी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के
पुनर्जागरण का भी ये प्रतीक है जो सहज और स्वाभाविक रूप से उनके आने के बाद जिस ढंग से भारत में विकास हुआ है, गरीब कल्याण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी, वो तो एक पक्ष है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि शताब्दियों की निद्रा से जगकर भारतीय राष्ट्र अपने आत्म स्वाभिमान और अपनी पहचान को पहचानता हुआ एक बार पुनः खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। यह घटना कम सेंचुरीज के बाद हुआ है। ठीक है, अब अजय जी के पास काशी कहीं ना कहीं उसी का प्रतीक। काशी में जो लोगों का हुजूम इस वक्त प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए पहुंचा है, उस पर वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। अजय जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, हम लोग भी देश की 100 सीटों पर, मैं भी गई हूं, अलग अलग जगहों पर गए हैं। एक विकल्प के तौर पर लोग किसी दूसरे नेता को नहीं देख पा रहे। क्या आपको लगता है कि पीएम की जो लोकप्रियता है वो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए? देखिए अंजना जी, जिस तरह से चैनल में प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित करते रहते, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। भीड़ देखना है तो भारत जोड़ो यात्रा में तो आपके कैमरे गए नहीं, ये बोलते कि एक बाहर के व्यक्ति आए थे, पहले बात। दूसरी बात कि बनारस गए तो पहले जो सामाजिक गैंगरेप की जो लड़की थी बीएचयू आईटी के, उसके परिवार से तो मिलते ही नहीं, कि तो आईटी सेल के लोग उसमें शामिल थे। माँ गंगा ने बुलाया, बड़ी बड़ी बातें, माँ गंगा तो 10 साल में तो साफ नहीं कर पाए इनके पार्टी, झूठ की जो भरमार है। आप बताइएगा कि इनको मालूम है कि सीट खसक रही है, जितने भी बोलिए सांस्कृतिक राजधानी, बड़े बड़े शब्दों की इस्तेमाल हो रही है। आप बताइए, पहले हम शुरू करते बनारस। देखिए, चुनाव जीतना बनारस में है, उनका बीजेपी के जो संगठन पर उस पर है, बीएचयू की आईटी की सामूहिक बलात्कार हुई थी, बीजेपी के लोग शामिल थे, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उस परिवार से बात नहीं की, कॉलेज नहीं गए, उस पर कोई चर्चा नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, कोई प्रधानमंत्री ने इस तरह के ओछे टिप्पणी आपके टीवी शो में मैंने कभी नहीं देखा है कि अदानी अंबानी पर प्रधानमंत्री क्या कह डाले। कम से कम सुधांशु जी तो बता दे हमको, क्योंकि हम तो उड़ीसा में पड़े हुए हैं, तमिलनाडु में तो हम देख नहीं पाए थे, तो अदानी अंबानी के बारे में इनके विचार मैं जानना चाहता हूँ। तीसरी बात, प्रदीप गुप्ता जी का कुछ कागज ट्विटर में चल रहा था, फिर प्रदीप जी एक्सिस कंपनी के फिर डिनाई किए थे, मुझे पता नहीं कितना सही है, फिर उनको डिनाइल करना पड़ा। वो क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें सबको मालूम है, जो स्पोर्ट तक जो कागज है प्रदीप जी अपने, क्योंकि आई वॉन्ट टू हियर विद यू टेल मी, औपचारिक रूप से बता दीजिएगा किसी ने जो फ्रॉड दिया किया। हमारा इतना ही कहना है अंजना जी फॉर नेशनल टीवी, नो न्यूज ऑन इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बीप सांस्कृतिक राजधानी, बीप कंपनी से चंदा आप लेते हो, सांस्कृतिक राजधानी भारतीय जनता पार्टी, वाह रे साहब, बीप कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड ईडी को बेचना, सीबीआई ईडी बेच करके धंधा चंदा लो धंधा दो, आप जो है ईडी बेच करके पैसे वसूलते हो, और इतने बड़े बड़े शब्द की जो इस्तेमाल कर रहे हैं सुधांशु जी। मेरा इतना ही कहना है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लगातार राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह नुकसान है, जो मेरे आकलन है, जो हम देश भर में घूम रहे हैं। तमिलनाडु में तो साफ तो है ही, लेकिन बाकी जगह जैसे तेलंगाना में, तो हम ये इतना कहना चाहेंगे कि आप जिस गलत फहमी में है, आप बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी को बाकी लोग ने हमेशा जो है कम आकलन किया। आपके टीवी, कोई भी टीवी चैनल देखिए, उसका शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो तो बोलता है 400 पार आपको कम नहीं, सर लेट मी कंप्लीट, मैंने आपको नहीं टोका सर, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इतने जो मेनस्ट्रीम टीवी चैनल है, हमने तो देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि हम न्यूट्रल चैनल देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइएगा कि हमारा जो कितने कार्यक्रम, अखिलेश यादव का कनौज का रैली में कितने कवरेज हुई, अरे सर आज ही अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू हमने 4 बार चला दिया, आप राहुल जी को कहिए वो भी इंटरव्यू दे, हम लोग चलाएंगे। और सुनिए ना सर, आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका ना, अब थोड़ा सुनना भी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मैंने खुद, और इसीलिए मैंने गिना भी है, मैंने कम से कम 15 शोज किए हैं। आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत या आलोक शर्मा जी आते थे डिफेंड करने के लिए, उस पर भी हम लोगों ने खूब चर्चा की है। देखिए, ये तो हमेशा एक बहस चलती रहेगी, और लेकिन जीत लड़ना आप ही को है, चुनाव आप ही को लड़ना है, चुनाव आप ही को जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि रोड शो कर रहे हैं और शाम का ये वक्त है, इसलिए आप बैठे और आप
गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन बात ठीक नहीं है। प्रदीप जी, उनकी बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने सीधा आपको टारगेट किया है। अजय जी ने टारगेट तो मुझे नहीं पता किया कि नहीं, लेकिन अजय जी ने ये संशय जाहिर किया कि हमारे द्वारा कोई सर्वे निकाला गया था और उसकी चारों तरफ चर्चा है। हाँ। और उसमें बीजेपी को थोड़ा नीचे और कांग्रेस को करीब करीब बराबरी पे लाके अपोजिशन पार्टी को दिखाया। मैं आपको बता दूं और सारे दर्शकों को बता दूं कि एक्सेस माई इंडिया किसी भी तरह के कभी भी कोई भी प्री पोल ओपिनियन पोल सर्वे नहीं करता, ना ही रिलीज करता है। सिर्फ एग्जिट पोल। हम केवल और केवल एग्जिट पोल का मतलब भी पोस्ट पोल, जब आखिरी वोट पड़ जाए, जब आखिरी वोट पड़ जाए तभी आप जानेंगे एक्सेस माई इंडिया का क्या अनुमान है। मैं सबको बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। ये मुझे अमेरिका से भी मैसेज आया कि ये तो टीवी चैनल में हम लोग रिलीज करने वाले थे भाई, लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया है तो कि आपने ऐसा किया था। मैं जवाब देते देते थक गया हूँ, मैं सबको यही कह रहा हूँ। आज तक भी इसीलिए कोई ओपिनियन पोल नहीं बनाता क्यों दिखाता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक वोटर अपना वोट डाल नहीं देते सभी के सभी, तब तक ऐसे पोल उनके मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हम एग्जिट पोल दिखाते हैं सिर्फ, कोई ओपिनियन पोल नहीं। और एग्जिट पोल भी वोटिंग का जब लास्ट वोटर अपना वोट डाल दे उसके बाद हम एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। तो 1 जून का अपॉइंटमेंट है व्यूअर्स का, देश की जनता का, हमारे साथ। छोटा सा कमेंट फिर मैं आ रही हूं अनुराग जी, और इसको कंप्लीट कर दूं कि ये नेचुरली किसी, मैं ये तो कहे मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन ये क्लियर है कि ये अपोजिशन पार्टी द्वारा ही किया गया है, क्योंकि इसमें बीजेपी को हल्का करके दिखाया गया है अनुमानों में। तो मैं उनको वापस कहना चाह रहा हूं, भाई आप अपने काम अपनी विश्वसनीयता के द्वारा ही विकल्प प्रस्तुत कर पाएंगे जनता के समक्ष, तो वो करेंगे तो चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, माध्यम से लड़ना बंद कीजिए, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। अगर आपकी लोकप्रियता, आपकी पैठ जनता के सिर बोलेगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता। बहरहाल वापस चलते हैं जो अन्य मेहमान थे बहस के विषय पर। अजय राय को आप लोगों ने टिकट दिया, अनुराग जी वहां पर ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया, जबकि शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की पिछली बार दूसरे नंबर पर आई थी, अजय राय साहब तो तीसरे नंबर पर आए थे। तो ये समझ नहीं आया, जो टफ फाइट दे सकता था आपको नहीं लगता उनको उतारना चाहिए था प्रधानमंत्री के सामने? अनुराग जी, अभी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आएगा, 4 जून को उनको समझ में आएगा जब उनकी सरकार चली जाएगी। और प्रदीप गुप्ता जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो भी कह रहे हैं कि 19 जैसा माहौल नहीं है। तो हमारे साथी सुधांशु जी को बड़ा चटपटा लग गया। सुधांशु जी, सिर्फ प्रदीप गुप्ता ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, इसलिए आप परेशान मत होइए। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भाई कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देखने को आपने दिया है भाई? ये संस्कृत राष्ट्रवाद इसको बोलते हैं जहां पे महिलाओं पे अत्याचार जिस देश के अंदर में बढ़ जाए सरकार में, जिस देश के अंदर में महिलाओं के अत्याचार का आरोपी उसके घर में टिकट मिलने लग जाए वो संस्कृति राष्ट्रवाद कहलाता है क्या? ये पहली बार पता चला है, संस्कृति राष्ट्रवाद। जिस देश में महिलाओं का सम्मान कम होने लगे ना, वहां संस्कृति राष्ट्रवाद उसको नहीं बोलते। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। बिल्कुल हमारा देश संस्कृति और संस्कारिक राष्ट्रवाद है, लेकिन आपने उस पर क्षति पहचाने की कोशिश की है, ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, आप क्या कह रहे थे, दूसरे स्टेट से आके हमारे उत्तर प्रदेश में जीते, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की मानता है, हमारे देश की मानता है, लेकिन आपने जिस नेता के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया, जिस नेता का सपोर्ट लिया, वो तो यहां उत्तरी भारतीय को तो मार मार के भगा रहा था राज ठाकरे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? दो शब्द बोलेंगे? आज उसी राज ठाकरे के साथ आपने हाथ मिला लिया जो राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भगाने की बात कर रहा था, जो मार रहा था वहां पे। इसलिए उत्तर प्रदेश की महानता है क्या, हम सभी को अपनाते हैं। और ये बड़ा दिल, आप अपने सहयोगी दल को ही बोलिए कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार बना रहे। दूसरी बात, अंजना जी आपने बोला सब के हु गुरुबा ना के हु चेला, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी जो चेला बनाने की कोशिश करती थी, ये हिंदुस्तान में सभी जो जनता है समझदार है, इसको आपने सोचा था कि नहीं नहीं हम किसी तरह से इनको झूठ और जुमलों में हम घेर लेंगे, ये झूठ और जुमले का टाइटैनिक जहाज आपका डूब रहा है, सुन लीजिए आप कान खोल के। अनुराग जी को मेरे साथ दिखा दीजिए, अनुराग जी चुके हैं अनुराग, और नॉर्थ में हाफ हो गए हैं आप, ठीक है आप। ठीक है अनुराग जी, एक बार ये वोटिंग परसेंट आप ही से बात कर रही हूँ, एक बार वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ दिखा दीजिए, 2014 का, 2019 का। प्रधानमंत्री का वोटिंग परसेंटेज जो है, जो उनके वोटर्स हैं, वो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उसमें इजाफा हुआ है। ये वाला नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये देखिए 56 में थे और फिर वो 64 हो गए, 8% का गेन एक चुनाव के बाद। ये क्या इशारा कर रहा है? आप तो शालिनी यादव पर जवाब ही नहीं दे रहे,
दिक्कत इसलिए हो रही है क्या कि शालिनी यादव भी छोड़ गई समाजवादी पार्टी, बीजेपी में ज्वाइन कर गई है? कमाल की बात कर रहे हैं, शालिनी जी भी बीजेपी में चली गई। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अरे तो ठीक है ना, साले अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, किसी के जाने आने से यहाँ क्या फर्क पड़ता है? कितने आए कितने चले गए उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? समाजवादी का एक संगठन है, समाजवादी का संगठन काम करेगा, आप देखेंगे वोट। और दिक्कत क्या पता है बार बार क्यों आपको दिखाना पड़ रहा है? बनारस का आप नहीं दिखाएंगे, आजमगढ़ का आप नहीं दिखाएंगे, जौनपुर का आप नहीं दिखाएंगे, लालगंज का आप नहीं दिखाएंगे, भदोही का आप नहीं दिखाएंगे, मछली शहर का, ये सब लगी हुई सीटें हैं वहां पे। अरे कन्नौज में साफ दिखाएंगे, गाजीपुर का दिखाइए जहां बीजेपी साफ हो रही है, जहां बीजेपी साफ हो रही है। अंजना जी, बीजेपी साफ हो रही है इन जिलों में, यहाँ पे लोकसभा में साफ हो रही पूरी तरह। किसी भी आप स्ट्रिंगर से पूछ लीजिए कि चार जून को अपनी पार्टी में बात कर लीजिए, चार जून को भी आप ही को गेस्ट बनाए सीट पे, चार जून को भी आप ही गेस्ट बन के आइएगा हल्ला बोल में की बात, और अच्छा होगा उस दिन भी हम लोग बात करेंगे। से बड़ी मुश्किल से सुनिए बड़ी मुश्किल से, अरे मैं तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ ना, सुधांशु जी तो लखनऊ से आते हैं, अभी उनसे भूगोल पूछूंगा तो अभी भूल जाएंगे कि कौन कौन सी सीट अगल बगल में और कितने से जीते थे, कितने सारे थे, अभी क्या स्थिति है और वहाँ पे क्या चल रहा है। सुधांशु जी तो वाया पीओके अब आना चाह रहे हैं लखनऊ, राज ठाकरे पे क्यों बोलेंगे, वो दर्द उनके अंदर नहीं है। अब सुधांशु जी तो वाया पीओके आना चाहते हैं लखनऊ और दिल्ली, उनसे पूछेंगे इस पर। मलुक जी से कमेंट ले, मलुक जी 400 पार का ये विजय रथ क्या व्यवहारिक लग रहा है? एक सेकंड, अरे अनुराग जी थोड़ा सा धीरे बोलिए ना, बहुत चिल्लाते हैं सर आप, थोड़ा सा धीरे। अरे दो सेकंड बोलने दीजिए ना, बोलिए। अब मेरी आवाज है, जनता की आवाज है, कोई बीजेपी वाली आवाज थोड़ी है कि हम चुपचाप। समाजवादी की आवाज है। जो सच बोलने वाला हमेशा तेज बोलता है, जिनको झूठ बोलना होता है, जुमला फेंकना होता है, उनको आस्ते आस्ते बोलना होता है। देखिए मैंने इनसे बोला कि अभी सुधांशु जी बैठे ना, आपने कहा था लखनऊ आएंगे, पीओके के रास्ते से आएंगे, ये क्या बोलेंगे कि राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये क्या बोलेंगे कि इनका कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर नाम है? मैं चैलेंज करता हूं ये बोल दे, हम तो पांच नाम गिना देंगे अभी पांच नाम गिना देंगे गठबंधन का, ये तीन नाम गिना पाएंगे क्या? चलिए दो नाम गिना दीजिए।